ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फोबिक पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको एक तांत्रिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कभी एक पढ़ा लिखा नौजवान हुआ करता था। ये कहानी आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि तंत्र मंत्र ही सब कुछ है या नहीं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं इस डरावनी कहानी की। सुमित और कोमल दूसरे ही शादीशुदा कपल्स की तरह ये एक आम कपल्स की तरह थे। दिल्ली के मालवीय नगर में एक छोटे से अपार्टमेंट में उन्होंने अपनी दुनिया बसा रखी थी। सुमित एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था और वहीं कोमल घर पे ही बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती थी। सुमित की टूरिंग की जॉब की वजह से वो ज़्यादातर शहर से बाहर ही रहता था, लेकिन जब भी वो दिल्ली आता तो कोमल के साथ पूरा टाइम स्पेंड करता। बात 2 अप्रैल 2011 की है जब इंडिया ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। हर तरफ सेलिब्रेशंस की धूम मची थी और इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए सुमित और कोमल मालवीय नगर की ही मेन मार्केट में आइसक्रीम खाने गए। वापस आते वक्त रात के करीब 12 बज गए थे। घर से कुछ 100 मीटर पहले ही सड़क की साइड में कुछ लोग शराब पी रहे थे। जैसे कि कोई भी सभ्य इंसान करेगा, सुमित और कोमल ने भी उन लोगों को अनदेखा कर आगे बढ़ गए। वो 2 कदम चले ही होंगे कि पीछे से आवाज आई, अरे मेरी जानीमन, कहाँ चली जा रही हो इस बच्चे के साथ? इधर आओ, हम दिखाते हैं मर्द क्या होता है। ये सुन के सुमित से रहा नहीं गया और वो तुरंत पलट के उन शराबियों से भिड़ गया। इससे पहले कि बात ज्यादा बढ़ती, कोमल ने सुमित को पीछे खींचते हुए घर चलने को कहा। सुमित ने भी कोमल की बात मानी और वो दोनों घर चले गए। लेकिन उनको क्या पता था कि जो वो समझ रहे हैं कि उन बदमाशों से पीछा छूट गया है, वो शराबी और बदमाश उनकी जिंदगी को अंधेरे में धकेलने वाले हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और सुमित अपने टूरिंग के काम से 3 दिनों के लिए मनाली गया था। जब वो वापस घर पहुंचा तो घर का गेट लॉक था। उसने कोमल को कॉल की तो मोबाइल फोन की रिंगटोन घर के अंदर से सुनाई दे रही थी, लेकिन कोमल की कोई आवाज नहीं आ रही थी। सुमित ने सोचा कि शायद कोमल सो रही होगी, तो उसने अपनी डुप्लीकेट चाबी निकाली और घर का मेन दरवाजा खोल के अंदर चला गया। सुमित जब अपने बेडरूम में पहुंचा तो जो उसने देखा वो वहीं जम के रह गया और एक जोर की चीख के साथ वो बेड की तरफ भागा। कमरे के सीलिंग फैन से कोमल की लाश झूल रही थी। सुमित रोए जा रहा था, कोमल कोमल उठो कोमल। उसने आनन फानन में कोमल की लाश उतार के बेड पे रखी। शोर सुन के पड़ोसी भी सुमित के घर के अंदर जा पहुंचे। कुछ 10 मिनट में ही पुलिस सुमित के घर पहुंच गई। शायद किसी पड़ोसी ने ही फोन करके पुलिस को बुलाया था। पुलिस ने कोमल की लाश अपने कब्जे में करके हॉस्पिटल जांच कराने के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि कोमल ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। लेकिन साथ में ही उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली 2 बातें सामने आई। फांसी लगाने के पहले कोमल के साथ 1 से ज्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया था और उस समय कोमल प्रेग्नेंट थी। सुमित की दुनिया एक झटके में उजड़ गई। पहले तो पुलिस को सुमित पे शक हुआ था, लेकिन उसके ट्रैवल रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बिना पे सुमित को छोड़ दिया गया। शमशान घाट पे सुमित कोमल के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर रहा था। एक एक करके सभी पड़ोसी और दोस्त अपने अपने घर चले गए, लेकिन सुमित वहीं शमशान में कोमल की चिता के साथ बैठा रोता रहा। रोते रोते वे बेसुध होके वहीं शमशान में ही सो गया और उसकी नींद किसी की आवाज से खुली। ए लड़के, यहां क्या कर रहा है तू? चल उठ के, जगह तेरे लिए नहीं है, उठ और भाग यहां से।
सुमित ने आंख खोल के देखी तो पाया कि अंधेरा हो चला है और उसके सामने एक साधु या तांत्रिक दिखने वाला एक 50 से 55 साल का आदमी खड़ा है। उसको देख के सुमन तुरंत उठा और बोला, कोमल 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 कहाँ है मेरी बीवी? वो तांत्रिक फिर बोला, ए लड़के क्या बड़बड़ा रहा है, चलो उठ यहां से और अपने घर जा। सुमित रोते हुए बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी कोमल की चिता जल रही है, मैं इसको अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। वो तांत्रिक बोला, अरे समझ गया कि ये तेरी बीवी की चिता जल रही है, देख तू अभी बहुत जज्बाती है लेकिन रात में शमशान में नहीं रुका जाता, चलो जाओ यहां से, सुबह आना अपनी बीवी की अस्थियां लेने। तांत्रिक की बात सुनके सुमित थोड़ा होश में आया, तांत्रिक को अपनी नम आंखों से देखता हुआ वो शमशान घाट से चला गया। अपने घर वापस आते समय वही शराबी रोड की साइड में शराब पी रहे थे। सुमित को आता देख के वो तीनों शांत हो गए। सुमित 2 कदम आगे चला ही होगा तो उनमें से एक ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, भाई जो भी हो इसकी बीवी में बात तो थी, काश अपनी जान ना ले लेती वो तो हम तीनों दोस्तों को आज भी खुश कर रही होती वो। ये कहते हुए तीनों शराबी आपस में हंसने लगे। सुमित उनकी बात सुनके गुस्से में पीछे पलटा और उन तीनों पे टूट पड़ा। अकेले होने की वजह से वो तीनों शराबी उस पे हावी हो गए और सुमित को बुरी तरह पीट के लहू लुहान कर दिया। सुमित किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचा और उन तीनों शराबियों के खिलाफ कंप्लेन की और साथ ही ये भी कि उन तीनों शराबियों ने ही उसकी बीवी के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने फौरन उन तीनों शराबियों को मौके से पकड़ लिया और थाने ले गए। ऊपरी दबाव और सबूतों के अभाव पर पुलिस ने तीनों शराबियों को वार्निंग देकर छोड़ दिया। सुमित के लिए वो समय था जब वो सबसे अकेला और असहाय था। वो चुपचाप अपने जख्मों को लिए वापस घर चला गया। वो कोमल को खो देने के गम में इतना दुखी था कि उस रात वो अपने बेडरूम में नहीं सोया, क्योंकि उसी कमरे में कोमल ने अपने आप को खत्म कर लिया था। सारी रात वो जागता रहा और सुबह करीब 6 बजे ही वो शमशान घाट कोमल की अस्थियां को चुनने के लिए पहुंच गया। अस्थियां चुनते हुए सुमित को फिर से उस तांत्रिक की आवाज आई, आ गए वापस तुम? सुमित ने जब पीछे घूम के देखा तो वही तांत्रिक खड़ा था। तांत्रिक धीरे से सुमित के बगल में बैठते हुए नम लहजे में बोला, जिसकी जिंदगी जितनी लिखी होती है बेटा वो उतना ही जीता है, तुम्हारी बीवी के साथ गलत हुआ जानता हूं मैं, और वो तीन लोग जो इसके जिम्मेदार हैं वो आराम से घूम रहे हैं। ये सुनते ही सुमित चौंक पड़ा और तांत्रिक से सवाल करते हुए बोला, ये सब आपको कैसे पता, कौन हैं आप? मैं कोई भी नहीं, तांत्रिक सुमित के सवाल का जवाब देते हुए बोला, सिर्फ बाबा का एक भक्त हूं बेटा। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर आग दहक रही है और तुम अपनी बीवी का बदला लेने के लिए कुछ भी करोगे। हां बाबा, मैं उन तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उनको, उन्होंने मेरी कोमल को मुझसे छीना है, अब मैं उन तीनों की सांसें उनसे छीन लूंगा। सुमित गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, शांत हो जाओ बेटा, जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब क्रोध और आवेश में दिया जाए, जाओ और जाके जान से मार दो उन तीनों को, लेकिन उससे तुम्हारा बदला तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद मैं पुलिस में सरेंडर कर दूंगा, सुमित ने जवाब दिया। आत्मसमर्पण कर दोगे और बाकी की जिंदगी जेल में बिताओगे और अपनी बीवी को दिए हुए वायदे का क्या जो तुमने किया था कि एक दिन एक बड़ा घर खरीदोगे उसके लिए? अब घर किसके लिए खरीदूंगा बाबा जी, वो तो चली गई, सुमित बोला। चली गई तो क्या, अपने सपनों को जियो, दूसरों की मदद करो और अपना बदला भी लो उन तीनों जानवरों से। बाबा जी अपनी जगह से उठते हुए बोले, बदला भी ले लूं और अपनी आगे की जिंदगी भी जीऊं, पर वो कैसे बाबा? सुमित असमंजस भरी निगाहों से बाबा को देखते हुए बोला, मैंने तप और ध्यान से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की हैं सुमित, कभी अपनी सिद्धियों को गलत काम में नहीं लगाया, तुम चाहो तो मैं तुमको सिखा सकता हूं, इससे तुम अपना बदला भी ले लोगे और मेरी तरह दूसरों की मदद भी कर सकोगे, तांत्रिक ने सुमित को समझाते हुए बोला। हाँ बाबा मैं करूंगा, आप मुझे सिखाइए, मैं सीखूंगा,
अपना बदला भी लूंगा और दूसरों की मदद के लिए अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। सुमित अपने हाथ जोड़ते हुए बाबा से बोला। इसके बाद दूसरे दिन सुमित पुलिस स्टेशन गया और वहां से अपने ऑफिस जाके नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिर तीसरे दिन अपना घर खाली करके जो भी पैसा सुमित के पास था उसको अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। अगले 1.5 साल तक सुमित ने बाबा से विद्याएं सीखी। साल 2013 13 अक्टूबर, हर तरफ दशहरे की धूम थी। हर चौराहे और गरी नुक्कड़ पे छोटे से बड़े रावण के पुतले दहन करने के लिए लगाए गए थे। दिल्ली के साकेत नगर इलाके के एक घर के नीचे बड़े बड़े बालों और दाढ़ी में तांत्रिक खड़ा ऊपर खिड़की को बस देखे जा रहा था। ये तांत्रिक कोई और नहीं, सुमित था, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और तपस्या से आज कई सारी सिद्धियों को साध रखा था। ये घर किसी और का नहीं, सूरज का था, जो उन तीन कुकर्मियों में से एक था। सूरज घर पे अकेला था और परिवार के बाकी लोग रावण देखने रामलीला मैदान गए थे। घर की डोरबेल बजी और सूरज, जो उस समय शराब पी रहा था, उसने घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सूरज ने सुमित को जमीन से कुछ उठाते हुए देखा। सूरज सुमित को पहचान नहीं पाया और लड़खड़ाती हुई जबान में बोला, ए कौन है तू, यहां कुछ नहीं मिलेगा, चल कहीं और जाके भीख मांग। सुमित बोला, मुझे नहीं पहचाना सूरज तुमने, मैं हूं सुमित, कोमल का पति, जिसको तूने और तेरे दो दोस्तों ने मार दिया था। सूरज अपनी आंखों को बड़ी करते हुए बोला, अबे तू ये क्या हुलिया बना रखा है, लगता है बीवी के गम में साधु बन गया है या पगला गया है तू। सुमित बोला, साधु नहीं, तांत्रिक सूरज, तांत्रिक। मैं तुझे सिर्फ ये बताने आया हूं कि आज से ठीक 3 दिनों में तेरी मौत हो जाएगी। और ये कहके सुमित पलटा और वहां से चला गया। सूरज की बस चिल्लाते हुए आवाज आई, अबे जा साले पागल, तू क्या कर लेगा मेरा, तुझे तो कब का बर्बाद कर दिया मैंने। दूसरी सुबह घर से नीचे उतरते वक्त सूरज का पैर फिसला और वो 10 सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे जा गिरा। उसकी बाई पसली टूट के उसके फेफड़ों में जा घुसी और दूसरे दिन, जैसा कि सुमित ने कहा था, सूरज की मौत हो गई। सूरज की अंतिम यात्रा को सुमित गौर से देख रहा था। उसकी नजरें ढूंढ रही थीं अशोक और समीर को, और उन दोनों में से मेन था समीर, क्योंकि अपनी तांत्रिक साधना की शुरुआत करने से पहले सुमित ने पुलिस स्टेशन से तीनों के घर का पता निकाल लिया था, जिसमें से सूरज और अशोक तो आज भी अपने पुराने पते पर रह रहे थे, लेकिन समीर ने अपना घर बदल लिया था। दोनों को सुमित ने देखा भी। शमशान घाट के बाद से उसने समीर का पीछा करके उसके घर का भी पता लगा लिया। दिन था 20 अक्टूबर 2013, करवा चौथ से ठीक 2 दिन पहले। अशोक रोज की तरह सुबह अपने घर से ऑफिस के लिए निकला। अशोक का मालवीय नगर में ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। ऑफिस पहुंचने के थोड़ी देर बाद अशोक पास के ही एक हेयर कटिंग सलून में अपने बाल कटवाने चला गया। सुमित, जो उसके पीछे साय की तरह लगा हुआ था, वो भी उसका पीछा करते हुए उस सलून में जा पहुंचा। सलून वाले ने जैसे ही सुमित को देखा तो उसका हुलिया देखते ही उसने सुमित से पूछा, क्यों बाबा, क्या काम है? सुमित ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, दिन भर भटकता रहता हूं और इसकी वजह से देखो मेरे बाल और दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है और गंदी भी। आज बाल और दाढ़ी कटवा के अपने घर जाऊंगा। सलून वाला अशोक के बाल काटते हुए हंस के बोला, अच्छा तो आप लोगों का घर भी होता है, मुझे तो ये पता था कि आप सब अपना घर द्वार छोड़ देते हो। सुमित ने सलून वाले की बात का सवाल का जवाब देते हुए कहा, सही कह रहे हो बेटा, हमारा ना कोई घर होता है ना परिवार, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए। परसों करवा चौथ है, ना जाने कितने सालों से मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। सलून वाला थोड़ा खुश होते हुए बोला, तब तो बाबा आपके बाल और दाढ़ी मैं इतनी बढ़िया काटूंगा कि माता जी जब आपको देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। आप इंतजार करो, मैं बस इनके बाल काट दूं
उसके बाद आपकी सेवा की जाएगी। हाँ काट लो बेटा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, सुमित ने सलून वाले से कहा और चुपचाप अपनी सीट पर बैठे अशोक को घूरता रहा। जैसे ही अशोक अपने बाल कटवा के कुर्सी से उठा, वैसे ही सुमित उसकी कुर्सी पर जा बैठा। ये देख सलून वाले ने सुमित से कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है बाबा, थोड़ी सफाई करने तो दो, इन भाई साहब के बाल कुर्सी पे फैले पड़े हैं। सुमित ने चुपके से अशोक के कटे हुए बाल अपनी मुट्ठी में बांध लिए और सलून वाले से बोला, अरे साफ सफाई क्या जरूरत है, तुम बस जल्दी से मेरे बाल काट दो और मैं जाऊं। ये कहे सुमित कुर्सी पे बैठ गया। अशोक ने जैसे ही सलून के बाहर कदम रखा तो उसको जाता देख सुमित अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जाने लगा। उसको जाता देख सलून वाले ने उसको रोकते हुए पूछा, अरे बाबा किधर चले, अभी तो बाल कटवाने के लिए परेशान हुए जा रहे थे और अब चल दिए। सुमित सलून से बाहर निकलते हुए बोला, अभी घर जाने का समय नहीं आया है बेटा, कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं। सुमित को ऐसे जाते हुए देख सलून वाला खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, अजीब पागल लोग आते हैं यहाँ, अभी तो बाल कटवाने और अपनी बीवी के पास जाने के लिए इतनी जल्दबाजी दिखा रहा था और एकदम से चला गया, क्या करना मेरी बला से जाए। कुछ देर बाद सुमित अशोक के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजे को अपने हाथों से खोल अंदर झांकते हुए अशोक से बोला, बच्चा तुमसे जरूरी बात करनी है। अशोक सुमित को देखते हुए बोला, अरे तू तो वही है ना जो सलून में मेरे पीछे बैठा था, यहां भी आ गया, चाहिए क्या तुझे, पीछा कर रहा है ना मेरा, ढोंगी साले निकल यहां से वरना बताऊं तुझे। सुमित मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पहचाना अशोक। ये सुन अशोक थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, तू मेरा नाम भी जानता है, नहीं पहचानना मुझे तुझे, कौन है बे तू। सुमित बोला, मैं हूं सुमित जिसकी बीवी को तूने मार दिया था, मैं तुझे ये बताने आया हूं कि ये करवा चौथ का पर्व तेरा आखिरी पर्व होगा। इससे पहले अशोक कुछ समझ या कर पाता सुमित वहां से चला गया। अशोक ऑफिस के बाहर सुमित को देखने के लिए दौड़ के आया लेकिन उसको सुमित कहीं नहीं दिखा। अशोक थोड़ा सोचते हुए खुद से बोला, ये साला सुमित अभी तक जिंदा है, मुझे तो लगा कि अपनी बीवी की तरह इसने भी फांसी लगा के जान दे दी होगी, ये तो साला भिखारियों की तरह घूम रहा है, लगता है बीवी के गम में पगला गया है साला, कुछ भी बोल रहा है, अगली बार कहीं दिखा तो साले को इसी की बीवी के पास पहुंचा दूंगा। ये कहके अशोक अपने काम पर लग गया और सुमित के बारे में भूल सा गया। सुमित की वेशभूषा देख के कोई भी धोखा खा जाएगा कि सुमित जो बातें कह रहा है वो सच भी हो सकती हैं, और इसी फेर में पढ़ के पहले सूरज और अब अशोक सुमित को नजरअंदाज कर गए। करवा चौथ का दिन आया, अपने ऑफिस में अशोक अकेले बैठे शराब पी रहा था। उसका फोन बजा और जब अशोक ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसकी पत्नी की आवाज आई, आप कब तक घर आएंगे, सारे दिन से भूखी बैठी हूं और रोज की तरह आप ऑफिस में हैं, जल्दी से घर आइए, चांद को निकले पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। फोन काटते हुए अशोक झुंझलाते हुए खुद से बोला, एक तो साला इन बीवियों के ड्रामे खत्म नहीं होते, कभी करवा चौथ कभी ये कभी वो, साला शांति से दारू भी नहीं पीने देती। ये कहते हुए ग्लास में बची हुई शराब को एक सांस में गटकते हुए अशोक ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और ऑफिस को ताला मार के घर की ओर चल दिया। अशोक गाड़ी को आज कुछ ज्यादा ही तेज चला रहा था। वो जैसे ही ओखला की ओर जाने वाले फ्लाईओवर पर चढ़ा, अचानक से उसके माथे के बीचों बीच एक तेज दर्द हुआ और फिर उसके शरीर का दायां हिस्सा अकड़ गया। गाड़ी स्पीड में होने के कारण अशोक ना ब्रेक लगा पाया, उल्टा लकवे की वजह से उसका दायां पैर एक्सीलेटर को और दबा बैठा। गाड़ी सीधा फ्लाईओवर की दीवार को तोड़ते हुए नीचे रोड पर जा गई और अशोक की मौके पर ही मौत हो गई। अब बारी थी समीर की। ये समीर ही था जिसने उस रात कोमल को छेड़ा था। दिन था 2 नवंबर 2013। दिवाली से ठीक एक दिन पहले समीर अपने नए घर के बाहर मॉर्निंग वॉक पे निकला था। पहले सूरज और अब अशोक की अचानक मौत ने समीर को बहुत परेशान कर दिया था। आज छोटी दिवाली की वजह से सुबह ज्यादा लोग भी नहीं थे कि अचानक से किसी ने समीर की शर्ट को पीछे से पकड़ा और कपड़ा फटने की आवाज आई।
समीर ने तुरंत पीछे पलट के देखा तो सुमित खड़ा था और उसके हाथ में समीर के शर्ट का एक टुकड़ा था। इसके पहले समीर कुछ कहता, सुमित बोल पड़ा, अपनी दोस्तों की अचानक मौत से बहुत परेशान होना समीर। सुमित को देख के समीर बोला, तुम कौन हो, मेरे और मेरे दोस्तों के बारे में कैसे जानते हो, और ये मेरी शर्ट तुमने क्यों फाड़ी है? एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ सुमित बोला, मुझे नहीं पहचाना तुमने समीर, देख मैं हूं सुमित, जिसकी पत्नी को तुम तीन जानवरों ने मिलके अपनी हवस का शिकार बनाया और मेरी कोमल ने आत्महत्या कर ली। तेरे दोस्त सूरज और अशोक को मैं नहीं मारा है और अब तेरी बारी है। कल दिवाली है ना, दिवाली की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। ये सुन समीर अपने हाथ जोड़ सुमित से लगभग रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सुमित, नशे में होने की वजह से हमसे गलती हो गई थी। देखो मेरी बीवी है, एक छोटा बच्चा है, मुझे छोड़ दो। सुमित ने इतनी देर में अपनी जेब से कुछ लौंग निकाली और समीर के मुंह में डाल के अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। समीर जोर से चिल्लाया लेकिन उसकी चीख सुमित का हाथ उसके मुंह पे होने की वजह से दबके रह गई। कुछ 10 सेकंड्स बाद सुमित ने अपना हाथ समीर के मुंह से हटा लिया। हाथ हटाते ही समीर ने जोर से चिल्लाना चाहा लेकिन उसकी आवाज उसके हलक में ही अटक के रह गई। समीर ने बहुत कोशिश की बोलने की लेकिन वो बोल ना सका और अपने घुटनों पे बैठ रोने लगा। फिर सुमित ने समीर के कंधे पे अपना एक हाथ रखा और दूसरे हाथ की उंगली अपने होठों के सामने लाकर समीर बोला, तू जितना मर्जी बोल ले, चिल्ला ले, अब तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सूरज को 3, अशोक को 2 और तुझे सिर्फ 1 दिन का समय दे रहा हूं, जाके मिल ले अपने परिवार से आखिरी बार, तू चाहेगा तो भी बच नहीं पाएगा। और ये कह के सुमित वहां से चला गया। समीर बदहवास हालत में अपने घर पहुंचा। उसकी ऐसी हालत देख उसको फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अशोक की तरह उसके शरीर के दाएं हिस्से में लकवा हो गया था। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि समीर को हुआ क्या है। इधर शमशान घाट के कोने में सुमित बैठा था। उसके सामने रेत पे 3 इंसानों के आकार की गुड़िया बनी थी। पहली गुड़िया के सर के बीचों बीच कुछ धूल लगी थी और उसके सीने में एक हड्डी धसी थी। दूसरी गुड़िया के माथे पर एक कील और शरीर का दाया हिस्सा दबा हुआ था और तीसरी गुड़िया पे शर्ट के टुकड़े के साथ दाया हिस्सा दबा था। ये तीनों गुड़िया सूरज, अशोक और समीर की वूडू डॉल्स थी। उधर हॉस्पिटल में समीर ने इशारे से अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और अपने बाएं हाथ से इशारा करके पेन और कागज मांगा। उसकी पत्नी ने जल्दी से उसको पेन और कागज दिया और सहारा देके बेड पे बिठाया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने बाएं हाथ से कुछ कागज पे लिखा और अपनी बीवी को दे दिया। समीर की आंखों में आंसू थे। समीर की बीवी भागते हुए हॉस्पिटल से निकली। वो एक मंदिर के पुजारी के पास गई और उनको सारी बात बताई। सारी बात सुनके पुजारी जी ने समीर की पत्नी को कहा, बेटा जैसा तुम बता रही हो इसको मारण क्रिया बोलते हैं। इसको अपने शत्रु को जान से मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको मैं या कोई पंडित काट नहीं सकता। इसको वही काट सकता है जिसने ये मारण क्रिया और बाकी शक्तियों को सिद्ध कर रखा हो। ऐसे बहुत ही कम तांत्रिक मिलेंगे तुमको। आज दिवाली की रात भी है। आज की रात इन शक्तियों की ताकत और भी बढ़ जाती है। समीर की पत्नी ने हाथ जोड़ रोते हुए पुजारी जी से कहा, पुजारी जी तुम मुझे बताइए कि ऐसे तांत्रिक मुझे कहाँ मिलेंगे। मैं उनके पांव पड़ूंगी, भीख मांगूंगी कि वो मेरे सुहाग को बचा लें। पुजारी जी ने कहा, ये क्रियाएं सिर्फ कोई तांत्रिक या औघड़ी कर सकता है और ये सिर्फ शमशान में मिलते हैं। दिल्ली में ऐसा कोई शमशान नहीं है जहां कोई ऐसी क्रिया कर पाए, क्योंकि यहां के शमशान बंद होते हैं। हो ना हो तुमको ये तांत्रिक हिंडन नदी के शमशान घाट पे ही मिलेगा। समीर की पत्नी पुजारी जी को धन्यवाद देते हुए वहां से तुरंत हिंडन नदी के शमशान घाट के लिए भागी। रात के करीब 11 बज गए थे और हर तरफ दिवाली के पटाखों की आवाज और रोशनी से गुलजार थी। समीर की पत्नी हिंडन घाट के शमशान के अंदर पहुंची और इधर उधर देखने लगी।
घाट के कुछ और अंदर जाते हुए दूर से समीर की पत्नी ने कुछ जलता हुआ देखा। वो खुद से बोली, हो ना हो ये वही हैं, और ये कह के वो पूरी जोर लगा के उस ओर भागी। जैसे ही वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि सुमित ज़मीन पर बैठा वो तीसरी गुड़िया जो समीर की थी उससे अपना हाथ हटा रहा था। समीर की पत्नी लगभग रोते हुए बोली, मेरे पति को बचा लीजिए बाबा। सुमित ने जैसे ही समीर की पत्नी को अपने सामने देखा तो भौचक्का रह गया। इसके पहले सुमित उससे कुछ कहता, समीर की पत्नी ने रोते हुए कहा कि बाबा, मेरे पति पे किसी तांत्रिक ने मारण क्रिया की है, आप किसी तरह मेरे पति को बचा लीजिए, हमारा एक छोटा सा फूल सा बच्चा भी है। समीर की पत्नी को ऐसी हालत में देख के सुमित थोड़ा भावुक हो गया। उसके अंदर सुमित को अपनी पत्नी कोमल नजर आई। वो सोचने लगा कि बदले की भावना ने उसको कितना पत्थर दिल बना दिया कि उसने ये नहीं सोचा कि जिनकी उसने जान ली है उनके भी परिवार हैं जिसमें उनकी कोई गलती नहीं। इसके आगे सुमित कुछ कहता, समीर की पत्नी का फोन बजा। रोते हुए उसने अपना फोन उठाया। दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसको सुन के समीर की पत्नी वहीं घुटनों पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं जा सकते। कुछ ही पलों के बाद वो वहां से जल्दी से उठी और तेज कदमों से शमशान के बाहर निकल गई। समीर की पत्नी जब जमीन पर बैठे रो रही थी तो उसके हाथ से एक कागज छूट के नीचे गिर गया था। सुमित की नजर जब उस कागज पर पड़ी तो उसने उसको उठा के खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिया, मैंने अनजाने में एक बहुत बड़ी भूल की है। तुमको याद है आज से 2 साल पहले पुलिस मुझे ले गई थी और मैंने घर आके तुमको बताया था कि मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया था और इसलिए पुलिस मुझे ले गई थी। वो सब झूठ था। दरअसल मैंने और मेरे दो दोस्त सूरज और अशोक ने मिलके एक औरत की इज्जत लूटी थी जिसकी वजह से उस औरत ने खुद की जान ले ली थी। उसी औरत का पति आज हमारे गुनाहों की हमको सजा दे रहा है। पहले सूरज की मौत हुई, फिर अशोक की, और अब मेरी भी हो जाएगी। मैं नहीं बचूंगा, लेकिन अगर तुम कभी सुमित से मिलो तो उसको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांग लेना। मैं तुम्हारी माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे जाने के बाद मोनू का ख्याल रखना, उसको बाप की कमी ना महसूस होने देना। तुम्हारा गुनहगार समीर। ये पढ़ के सुमित की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसको अपने किए पे पछतावा हो रहा था। उसने पीछे पलट के समीर की वो तीसरी गुड़िया देखी जिसके शरीर का निचला भाग अपने ऊपरी भाग से अलग था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि कभी किसी के साथ गलत ना करिए, और बदले की आग कभी किसी का भला नहीं करती बल्कि खुद आपको अंदर से जला देती है। हम अपनी किसी भी कहानी के माध्यम से किसी भी प्रकार के जादू टोने, तंत्र या किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। ये कहानियाँ आपके मनोरंजन के लिए है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। हम जानते हैं कि डरावनी कहानियों का मज़ा साथी और दोस्तों के साथ मिलता है, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल पर। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।